अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजीर और आप सबको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने एक मोबाइल में एक से ज्यादा YouTube चैनल को ऑपरेट करना चाहते हैं, और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने एक Gmail के अकाउंट में दो YouTube के चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। ये वीडियो कम्प्लीट आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मोबाइल में एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल को ऑपरेट कर सकते हैं और अपने एक Gmail अकाउंट पे दो यूट्यूब के चैनल भी बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पे आपको मैं बताता हूं कि आप किस तरह ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जी दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और जो आपके पास ब्राउजर है उसको ओपन कर लें। मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूं और सर्च बार पे आपने लिखना है www.youtube.com, इसको आपने ओके कर लेना है। लिख जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपको YouTube का ये व्यू मिलेगा। अगर ये व्यू नहीं मिलता जो लैपटॉप पे हमें मिलता है, तो आपने ये ऑप्शन थ्री डॉट्स वाली, इसको आपने क्लिक कर लेना है। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रही होगी डेस्कटॉप साइट की, ये वाली, इसको आपने चेक लगा देना है जैसे मैंने लगाया है। जैसे आप चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो आपको YouTube का व्यू बिल्कुल वैसा मिल जाएगा जैसा आपको लैपटॉप पे मिलता है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों याद रहे कि आपको पहले स्टेप में मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास एक मोबाइल है और आप एक से ज़्यादा YouTube चैनल कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये राइट टॉप कॉर्नर पे आपके चैनल का आइकन आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये फोर्थ ऑप्शन मिल रही है स्विच अकाउंट की, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका एक से ज़्यादा, डेफिनेटली एक से ज़्यादा चैनल होगा तो आप मल्टीपल चॉइस ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये सेकंड चैनल है, मैं इस सेकंड चैनल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने है कि मैं अपने एक चैनल से दूसरे चैनल में स्विच कर चुका हूँ एक ही मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए। चैनल के आइकन को राइट टॉप कॉर्नर पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक करना है, थर्ड ऑप्शन आपको YouTube स्टूडियो की मिल रही है जहाँ पे एरो है, इसको आपने ओके कर लेना। जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे पहले ये ऑप्शंस मिल रही होंगी। इन ऑप्शंस के नीचे आपको बिल्कुल बॉटम पे ये दो ऑप्शंस मिल रही होंगी। जो पहली ऑप्शन है वो सेटिंग्स की है। बाज़ुकात आप जब इस पेज पे आते हैं तो आपको ये सेटिंग्स का निशान नज़र नहीं आता, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है, पेज को नीचे करना है, तो नीचे आपको ये लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे ये ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएगी सेटिंग्स की, जैसा कि एरो जहाँ पे है इसको आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा, सेकेंड ऑप्शन ये चैनल की है, इसको आपने क्लिक कर लेना। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको ये सेकंड ऑप्शन मिल रही है, पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सेकंड ऑप्शन है एडवांस सेटिंग्स, इसको आपने ओके कर लेना। जैसे आप ओके करेंगे नीचे आपने आना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगी, ये आपको मैं एरो के साथ बता देता हूँ, ये सेकंड ऑप्शन है यूट्यूब अकाउंट की, इस पर आपने क्लिक नहीं करना। इस यूट्यूब अकाउंट की जो ये जो ऑप्शन है, इसको आपने उंगली से दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे एक पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी, पहली ऑप्शन है ओपन ए न्यू टैब, इसको आपने क्लिक कर लेना। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको एक ऑप्शन मिल रही है ऐड और मैनेज योर चैनल, इसको आपने सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके चैनल्स आपको शो हो जाएंगे, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रही होगी क्रिएट अ न्यू चैनल, इस पर आपने क्लिक कर लेना, क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक कर देना, आपका सेकंड चैनल क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। थैंक यू।